केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। राजधानी के सिविल लाइन्स फाटक पर कांग्रेसी दिग्गज जुटे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी, प्रमोद जैन भाया, मंत्री भजन लाल जाटव, गोविंद मेघवाल, टीकाराम जूली, एआईसीसी पदाधिकारी हरीश चौधरी, रघु शर्मा, धीरज गुर्जर, मूलचंद मीना, विधायक अमीन खान, कृष्णा पूनिया, जयपुर के कांग्रेस नेताओं में मेयर मुनेश गुर्जर, अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, पुष्पेंद्र भारद्वाज, आरआर तिवारी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। और इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ये प्रभारी रंधावा ने इस मंच से कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया। और अडानी के अगेंस्ट पूरे हिंदुस्तान में गवर्नर हाउस का जो घेराव प्रोटेस्ट रखा गया है, यह बहुत बड़ी बात है। किसी टाइम अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैं इसलिए मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। ये जो अडानी जी को लेकर के जो बात आम जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये बात जहां भी जाते हैं, जहां भी चर्चा करते हैं तो देश की प्रदेश की जनता पूछती है। इन बातों का जवाब देने के लिए ये क्या मामला है, इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक लेवल के ऊपर धरने प्रदर्शन दिए, वहां पर लोकल नेताओं ने अपनी बात रखी। पुलवामा अभी भी सियासी भाषणों का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विवादित बयान देते हुए पुलवामा पर सवाल खड़े कर दिए। रंधावा ने कांग्रेस के राजभवन पर आयोजित मार्च में कहा कि कहीं लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तो पुलवामा हमला नहीं करवाया गया था। हमारे जवानों की पुलवामा हमले के कारण शहादत हुई। मेरा कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो।